नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। आयुष्मान पखवाड़ा कल से। भारत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं 1 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, जातीय एवं आर्थिक जनगणना के अनुसार चिन्हित आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1500 से अधिक बीमारी के लिए 2700 रुपये अस्पताल चिन्हित है, जहां पर मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसी के संदर्भ में आज अमेठी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ बैठक कर चर्चाएं की, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेठी जिले में कुल 1,32,856 लाभार्थी परिवार है, जिसमें कुल लाभार्थियों की संख्या 6,64,280 है, जिन्हें निःशुल्क आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। जिले में अब तक 1,32,856 के सापेक्ष 68,986 निःशुल्क आयुष्मान कार्ड तैयार कर लाभार्थी परिवार को उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी भी 63,870 लाभार्थी परिवार को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाना शेष है। जिले में 1,88,454 आयुष्मान कार्ड अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। इस समय ब्लॉक स्तरीय CHC तथा कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रतिदिन निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। अवशेष लाभार्थी परिवारों को निशुल्क आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 26 जुलाई 2021 से 9 अगस्त 2021 तक आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गाँव स्तर पर टीमें भेज करके आयुष्मान कार्ड तैयार करा करके लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के दौरान समस्त लक्षित परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद के आयुष्मान लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने की एक वृहद कार्य योजना है। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से गांव-गांव में वृहद कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आशा, ANM और अन्य लोगों के द्वारा लाभार्थी परिवार को प्रेरित करके कैंप स्थल तक पहुँचाया जाएगा। आशा एवं आरोग्य मित्र के द्वारा एक परिवार के एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाने पर 5 रुपए तथा एक परिवार में एक से अधिक परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवाने पर 10 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसलिए इस योजना का वृहद प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कैंप में आने वाले लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रधानमंत्री जी का पत्र, मुख्यमंत्री जी का पत्र, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता कैंप स्थल पर होगी। जिले में आयुष्मान कार्ड धारकों को 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ BHEL हॉस्पिटल और 6 निजी अस्पतालों में से इस कार्ड से निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है। इसी के साथ प्रदेश में जितने भी इम्पैनल्ड चिकित्सालय हैं, सभी में इस कार्ड से निःशुल्क उपचार होगा। CMO ने आगे बताते हुए कहा कि इस योजना से अभी तक जिले के 4,912 लाभार्थियों का उपचार किया गया है, जिसमें कुल लगभग 3,56,00,000 रुपए का निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया है। इसमें कूल्हा प्रत्यारोपण, हार्निया, दूरबीन विधि से पित्त की थैली का ऑपरेशन, कान के पर्दे का ऑपरेशन, मोतियाबिंद, गर्भाशय एवं बच्चादानी का ऑपरेशन आदि महत्वपूर्ण उपचार शामिल है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। स्वास्थ्य योजना जो है एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षीपूर्ण योजना है और अत्यंत लाभकारी और हितकारी योजना है। इस योजना में 2011 में जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और जाति आधार पर जनगणना की गई थी, इसमें जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे उनको चिन्हित किया गया है। योजना में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष निःशुल्क उपचार दिया जाता है और इस कार्ड का गोल्डन कार्ड जो होता है, पहले से गोल्डन कार्ड हम लोग कहते थे, अब इसको हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड कहना शुरू किया है। पहले यह कार्ड कुछ शुल्क दे करके बनाया जाता था, सरकार ने इसको देखते हुए अब इस कार्ड को निःशुल्क कर दिया है और अब यह कार्ड जो है जितने भी हमारे राजकीय चिकित्सालय हैं जहाँ पर हमारे आयुष मित्र तैनात हैं या जो भी हमारे आयुष्मान से आच्छादित अस्पताल हैं वहाँ पर यह कार्ड निःशुल्क रूप से बनाया जा रहा है। इसमें जो है लगभग 1500 से अधिक बीमारियाँ
वो चाहे जटिल बीमारी हो चाहे साधारण जुकाम बुखार जैसी बीमारी का उपचार किया जाता है। और अगर हम अमेठी जनपद की बात करते हैं तो अमेठी जनपद में हमारे पास जो है इस समय लगभग 132,856 परिवार हैं और इनके सदस्यों की संख्या अगर देखी जाती है तो 6,64,280 है। तो इतने लाभार्थी परिवार हैं, इनका हमारा लक्ष्य है कि हम इनको जो है निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बन चुका है। और अगर हम गोल्डन कार्ड बनाने की बात करते हैं तो अब तक हमने जो है लगभग कार्ड बना दिया है 6,38,770 परिवारों को हमने आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिया है। आधे 51% से ज़्यादा कार्ड हम बना चुके हैं, करीब 49% लोगों को हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है और उसी के तहत हमने जो है निःशुल्क कार्ड बनाने का एक महाअभियान शुरू किया है जो 25 तारीख से 9 अगस्त तक चलेगा। सर ये कार्ड बनवाने के क्या क्राइटेरिया है कि लोगों को कार्ड? देखिए कार्ड के लिए जो हमारी एक आयुष्मान भारत की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जिसका मोबाइल नंबर और उसका नाम अंकित है, जिनका नाम उस लिस्ट में शामिल है, उन्हीं का कार्ड बनता है। कार्ड बनाने की अर्हता यह है कि उनके पास जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र हो या माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं जहाँ पे कार्ड बन रहे हैं बड़ी सुगमता से 10 मिनट के अंदर कार्ड बन जाते हैं।